आपने देखे क्या करा, क्या कर रहे हो, बहुत मारा, क्या कर रहे हो, गलत करवा। सुन मेरी बात, ये जाएगी हमारे साथ, ठीक है? क्या सुन रहा हूँ मैं, समझ में आ रही तेरे को? एक मिनट रुको, इधर आओ अंकल जी आप। कौन है? इधर आओ। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? तो आशा करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। भाई आज हमारे साथ है अंकल जी और अपने प्रेम भाई। तो भाई दिक्कत परेशानी क्या है जो भी है वो इन अंकल की है भाई। और अंकल की परेशानी ये है कि इनकी जो लड़की है, इन्होंने जो मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जो लड़की है भाई लव मैरिज में पढ़कर और किसी और लड़की के साथ भाई झुग्गियों में आ गई है। और झुग्गियों में क्या हो रहा है उसके साथ भाई, दुष्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है उसके साथ। और भाई वो नहीं चाहती यहाँ रहने के लिए और फिर भी वो रह रही है। किस लिए रह रही है? उसका पति भाई उसे जाने नहीं दे रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई कि उन्होंने शादी करी है या नहीं करी है। और वो जो लड़का है वो दारू पीने वाला, मतलब बेवड़ा है एक किस्म का, और उसे लड़की को जाने नहीं दे रहा है अपने पिताजी के पास। वो चाहती है हालांकि कि मैं उसके पास ना रहूं, लड़के के पास नहीं रहना चाहती। इसीलिए आज अंकल ने हमारी हेल्प मांगी है। और जैसा कि अंकल ने मुझे फ़ोन पे बताया था, मैंने इनको नंबर भी बाकायदा दे दिया था। प्रेम भाई को भी मैं इसीलिए लेके आया हूं कि भाई कोई भी बात हो, झुग्गियों की बात है भाई, वहां पे तो आपको पता है कई सारे नशेड़ी होते हैं और बहुत गलत होता है, ठीक है? वो लड़की गलत तरीके में फंस गई है और मुझे भी पता है भाई, लड़कियाँ फंसना एक आम बात हो गया है कि अंकल जी आपको पता है कि सारी लड़कियाँ फंस जाती है हर जगह। देखते हैं हर कि कहीं ना कहीं एक वारदात होती रहती है कि बैंचो लड़की झुग्गियों में आ गई है, अच्छे घरों से होता है, हाँ, गलत जगह पे आ गए। एक बार हमारे ऑडियंस को आप अपने तरीके से बताओ अंकल जी, जो हमें आपने बताया है ना, प्रेम भाई को भी और मुझे भी। दिक्कत परेशानी जो भी है वो इन अंकल की है। और अंकल, हाँ प्रेम भाई बताएंगे आपको। ये लो भाई, प्रेम भाई अंकल ने हमारी फेसबुक वीडियो देखती है, हम जो एक्सपोज वीडियो शूट करते हैं, ठीक है? तो मैं और अविनाश भाई इनकी हेल्प करने के लिए आए थे। अंकल जो आपने हमें बताया ना, एक बार सामने बताओ, हमारी पब्लिक को बताओ, जो हमारी ऑडियंस है ना वो फैसला करेगी कि हमें करना क्या है। और बहनों, ये जो मेरी बेटी के साथ में जो अत्याचार कर रहा है ये लड़का, बहुत बुरा कर रहा है। शादी कर ली, सारे काम कर लिए, यहाँ तक कि थोड़ा बच्चा भी हो गया उसके, अब इतना परेशान कर रहा है। रोज़ तो दारू पी के आता भाई, ठीक है, दारू पी के आता, रोज उसको मारपीट करता। अब बताओ हम क्या करें? हमने तुम्हारे से हेल्प इसलिए मांगी है तो हमारे कुछ समस्या का समाधान करो, क्यों नहीं तो मैं तो मेरे जाने का अंकल उसी लिए तो है, आपके समाधान के लिए तो है। देखो जितना हो सके ना हम उतना आपकी हेल्प करेंगे। और हमारी जो ऑडियंस है ना, हम तो सिर्फ आपका एक वो जरिया है, सब काम तो वो सब तो वही करेंगे, जो हमारी ऑडियंस है, आपको वायरल करना, इंसाफ दिलाना, सब वही करेंगे। बनाने की मदद जो हम, जैसे आपने आपकी प्रॉब्लम की वीडियो हम बनाने के लिए आपको एग्री किया हमने, और इससे कई लोगों को सीख भी मिलेगी। हाँ, 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 लड़कियों को सीख मिलेगी, लड़कियाँ ऐसी लड़कियाँ गलती ना करें जो किसी सोच समझ के अपना कदम उठाए, कोई दारू वाला ना मिले। आजकल का तो ये फैशन चल गया है, थोड़ा बहुत ही होता, ज्यादा नहीं होता, इतना भी नहीं होता कि बच्चे के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दो। तो आप क्या चाहते हैं अंकल, एक बात? मैं ये लड़की को क्या, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लड़की को वो लड़का मुक्ति दे दे। लेके जाना चाहते हैं आप घर से? लेके जाना चाहते हैं, मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। बिल्कुल, इसे लेके, लड़की को लेके इनके साथ छोड़ेंगे, साथ रखना चाहता हूं आपके साथ। आप लोग मेरी हेल्प करो, मैं बहुत दुखी हो गया। आपके साथ कैसा व्यवहार करता है उसका पति? वो तो मारता पीटता भगा देता है, आज लेने जाते तो भगा देता है, रोज तक दारू पी के, रोज नशा करता है, चरस पीता है। ऐसा पहले नहीं था, वो मेरी लड़की को साल भर तक सही रखा था, उसके बाद में बच्चे होने के बाद में। आप तो अच्छे खासे घर से लग रहे हो, फिर ये ऐसे झुग्गियों में आपकी लड़की कैसे? अब जैसे मेरे को बुलाया, मेरे बच्चे ने बुलाया, मैं बच्चे से दूर थोड़ी हूँ ना, मैं बच्चे से दूर हूँ, वो मेरे खून का रिश्ता है। कोई बात नहीं, अभी लड़की तो गाइस बेटा मेरी हेल्प करो, करो मेरी हेल्प करो और उस बच्चे को मेरे साथ भेज दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, जितना हो सके उतना करेंगे। और देखो ये किसी के ऊपर भी ऐसा अत्याचार होना चाहिए, ठीक है? ठीक तो गाइस बिल्कुल हम अंकल की मदद करेंगे और वहाँ से लड़की को छुड़ा के अंकल को बोलेंगे भाई इनकी शादी करना है आपको, से दूसरी शादी करवानी है करवा लेना, आप उनको छुड़वा देंगे, हमारा काम है भाई उस लड़की को। बेटा बड़ी मेहरबानी होगी उसके हाथों से छुड़वाना। आप लोगों का सहारा चाहिए मेरे को, आजकल ऐसे बच्चों का सहारा करो जो क्या कहते हैं बच्चा परेशान हो। तो गाइस जैसे कि आपने सुना भाई, कितने दर्द है भाई, एक पिता की जो फीलिंग है भाई वो पिता ही समझ सकता है।
और पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत लड़की है, मगर लड़की को बहका के ले आया वो, और परेशान हो रही है भाई, वो भी परेशानी है इनका। मैंने बात भी सुनी है लड़की की, वो नहीं चाहती कि इसके साथ मैं रहूं, लड़के के साथ। तो बिल्कुल हम उसे छुड़ाएं, पिताजी इसके और उनकी बेटी, भाई दोनों जब जाना चाहते तो वो लड़का कौन होता है उनको ले जाने वाला, मतलब रोक के रखने वाला। तो बिल्कुल हम चलेंगे, तो भाई बने रहिएगा वीडियो में, देखते हैं एंड में क्या होता है। देखो भाई, हम जा रहे हैं उस लड़की से मिलने, और आप मेरी हेल्प करोगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, और जैसे और भी कोई हो तो उसके लिए भी आपको हेल्प करने के लिए मैं सबको आपका फोन नंबर दूंगा, और आपको बिल्कुल धन्यवाद अंकल जी। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये देखो, ये नशेड़ी है, ये लड़की से बात करते हैं। पापा, हाँ? आप? अरे मेरे बच्चे, पापा, अरे मेरे बच्चे, पापा, क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ। एक मिनट रुको, इधर आओ अंकल जी आप। मुझे रोना सर। कौन है, इधर आओ। ये चर्सी मुझे रोज मारता है। ए चर्सी, ओए अभी भी मार के दिया मेरे को। डियो प्रेम इसके एक दो रैप तक खींच के इधर आए। ये देखो बेटा, ये देखो इसकी करामात, देखो इधर आ, जल्दी आ, इधर आ। इसको क्या बंदी बना के रखा है तूने? हैं, बीवी है मेरी, तू कौन है? बीवी है, रुक जा बीवी है, सुन मेरी बात, बीवी है, बीवी के साथ ऐसा करेगा तू? क्या चल रहा है? दारू पीता है, ये मेरी बेटी को सब परेशान करता है। जब नहीं जाना चाहती है, तेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो क्यों रख रखा है, क्यों रख रखा है? ये देखो, हाथ मत कभी नहीं जाने देता। आवाज कम कर ले, समझ गया? सारा उतार दो, संतरा पी के तू देखो दिखा रहे छोड़ा होके, समझ गया? भैया अपने दोस्तों को भी बुला के मेरे साथ गलत करवा। सुन मेरी बात, ये जाएगी हमारे साथ, ठीक है? क्या सुन रहा हूँ मैं, समझ में आ रही तेरे को? सड़े मार के ना यही सड़े दफना दूंगा तुझे, समझ गया? हाथ क्यों लगा रहा है? क्या है, क्या है भैया, क्यों क्यों कर रहा है इसके साथ ऐसा? कौन है साले के? मार दूंगा बेंच हॉस्पिटल के, समझ में नहीं आ रही तुझे? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तेरे साथ, क्या नहीं रहेगी साले के? मार के नहीं सुझा दूंगा मैं, समझ गया? क्यों नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। बीबी है मेरी, बीबी है तो बताऊं, बीबी है तो क्या क्या करेगा तू बीबी के साथ? क्या करेगा बीबी के साथ? क्या करेगा बीबी के साथ? पैसे मंगाते, पैसे मंगाते, कहता क्या पैसे लेकर आ रहा। बताओ क्या क्या करता तुम्हारे साथ में? बता। ये बहुत गलत करता है, मुझे दारू पीना, चुप, अपने दोस्तों के पास भेजता है, ये मेरे साथ गलत करता है रोज रोज। दोस्तों को बुला लाएगा घर में, दारू बोलेगा उनको, ले खाना बना, इनको बुला के लाया है। तो ये बताओ मेरा भूत को अच्छे ये देखो कहता है पैसे चुरा के लेके आप मेरी बेटी को, चैन चुरा के लेके बेटी है तो ये करेगा? बाबा, मैं आप सही, ये मेरे लायक नहीं। सुन ले, इसके साथ नहीं रहेगी, और अब रहना चाहती है? बिल्कुल मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ। यही ना और पिटेगा भी मेरे से, समझ गया? मैं ले जाऊंगा इसको थाने में, बुलाएगा किसको? बुलाएगा, नाम चल रहा है यहाँ पे, नाम चल रहा है यहाँ पे, बेटी नाम चलता है, नाम लड़कियों का ना, नाम चलता है नाम। सुन, जैसे ऐसे ऐसे लोगों ने ना लड़कियों का ये कुछ भी करूँ मार के ना, यही पे बीवी है तेरी, बीवी है तेरी, हाथ क्यों उठा रहा है? नहीं है बीवी, क्यों नहीं है बीवी? नहीं है, अबे कंप्लेंट कर दू। चलो आप चलो, इससे मुक्ति दिला दो। अरे तू चल, क्या हाथ मत लगा लियो, क्या हाथ मत लगा, लातों का भूत है क्या? अच्छा समझ गया,
अच्छा अच्छा ये नहीं मानेगा इसको, इसको इसे छुटाओ, इसे छुटाओ। आप चलो, आप चलो, आप आ जाओ। ओए तू अंदर चल, चल अंकल आप लेके इसको इधर से लेके। तू ना मानेगा नहीं, ऐसे मानेगा नहीं साले, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तू, मानेगा नहीं तू। रुक जा, रुक जा। ओए उसको मत ले जाए। ये ऐसे नहीं मानेगा ये। अंकल आप इसे लेके जाओ, इसको तो हम बताएंगे। रख दूंगा। एक काम करो भोसड़ी के, तू इसके इसके लायक है, तू मारू तेरे, बता मारू तेरे, दूरे छोड़, टांगे पे दूंगा तेरे टांगों पे, समझ गया। सारे काम कर, मुंह पे मारूंगा अविनाश, तेरे को समझा रहा हूँ मैं, समझ जा। काम करना, इसको साथ में निकल अंकल, एक काम करो इधर, आप इसको लेके चलो हमारे, जो बंदे है ना तेरे यहाँ बुला लियो, इनको लेके जा रहा हूँ मैं। और सुन, जो भी है वो फोन कर, बेंचो निकाल ले फोन अपना, और ना फोन बेच के तो दारू पिया हूँ मैं, ठीक है। नाले में भी डूब जाना, नाले में बेंचो फेंक इसको, नाले में दे दे, नाले में दे दे इसको। आप निकलो अंकल जी यहाँ से, इसको ना लेके बंद करवा दे लीगल में साले को। नशा पहले इसका दूर होगा, ठीक है, एक बार दिखा दे आप अंकल, अंकल आप लोग जाओ, ठीक है, इसके पीछे धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरी बीवी हो, चल आजा बहनचो, बीवी है तेरी, बीवी बताऊं तेरे को मैं अभी, प्रेम इसको है ना नशा मुक्ति केंद्र में डाल पहले, ठीक है। चल रहा है कि नहीं चल रहा तू, नशा मुक्ति केंद्र में डाल इसे प्रेम।